आप क्या किरदार निभा रहे हो फिल्म के अंदर? ओके, फिल्म के अंदर मैं एक एज अ लीड हीरो का ही किरदार निभा रहा हूँ, और मेरे जो अपोजिट हैं सुबी शर्मा अभी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, अवधेश जी हैं, सभी सभी जितने हैं सब कलाकार हैं, संजय महानंद, आनंद मोहन, किरण यादव जो मेरी मम्मी का कैरेक्टर किए हैं इस फिल्म में, तो ओवरऑल सभी ने मेरे साथ काम करके, मैं उनके साथ काम करके काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। और फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताएं अगर आप हमारी ऑडियंस को कि किस तरह की फिल्म है और ट्रेलर देखने के बाद क्या क्या कैसा रिस्पांस मिला है ट्रेलर को? ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और मतलब एक न्यू कंपनी है नायक फिल्म जिसने इस फिल्म से शुरुआत की है, आगे और भी बहुत सारी फिल्में इस चैनल पे आएगी, बहुत सारी ट्रेलर आएंगी, तो हमारा ट्रेलर का एक्सपीरियंस ये रहा कि हमने आज 9 या 10 दिन हो रहे हैं ट्रेलर के, आज 1 लाख कंप्लीट हो गए, 1 लाख व्यू कंप्लीट हो गए हैं, और ये मुझे बहुत ही खुशी है कि एक भोजपुरी में एक अच्छी पारिवारिक फिल्म का इतना अच्छा रिव्यू मतलब व्यू के हिसाब से मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ, और आगे और भी बहुत चल रहे हैं ट्रेलर, और भी आगे रिस्पॉन्स अच्छे मिले। राइट, जो भी ट्रेलर या फिर फिल्म लॉन्च की जाती है भोजपुरी में, बहुत सारे लोग ऐसा मेंशन करते हैं कि पारिवारिक फिल्म है, और मतलब बहुत सारी गंदी लैंग्वेज भी यूज़ की जाती है जो गाने हैं उसके अंदर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमारे फिल्म में ना शब्दों का कुछ अश्लीलता है, और ना ही किसी गाने में आप एक भी गाना, जो भी गाने रिलीज होंगे आने वाले समय पर, एक भी गाने पर डबल मीनिंग नहीं मिलेंगे आपको, पूरी एकदम पारिवारिक मतलब पारिवारिक, और हमने बहुत ही मेहनत से सोच के और इसके स्क्रिप्ट के ऊपर 1 साल काम करने के बाद हम लोग ने शूट किया था इस फिल्म को, क्योंकि इसलिए कि किसी भी प्रकार से भोजपुरी इंडस्ट्री को या भोजपुरी ऑडियंस को पारिवारिक ही लगे और किसी शब्दों का उन्हें कोई दिक्कत ना हो, हर तरह से हमने उसका काफ़ी अच्छा रेडी करने में काम किया है, और फिल्म ओवरऑल बहुत अच्छी बनी है, और मैं कहता हूँ कि अब तक जितनी भी फिल्में मतलब काफ़ी सालों से मैं जो फिल्में हिट हुई हैं और अभी इतने सालों से फिल्में हिट नहीं हो रही हैं, थिएटर पे लोग नहीं जा रहे हैं, इसकी कारण जो है, ये कारण मुझे जो लगा, मैं अपने बात कह रहा हूँ, ऐसा लगता है कि जो भी स्टोरी आजकल थिएटरों में चलती है, मुझे ऐसा लगता है कि वही जो जो कर चुके उन्हीं को वापस किसी हिंदी फिल्म से ले लिया है, किसी और फिल्म से लेके एक सीन्स को क्रिएट करके इन लोग एक फिल्म तैयार कर देते हैं, इसलिए हमको लगता है कि ऑडियंस जब जाता है और वो सीन्स किसी और फिल्म में देख चुके होते हैं, वही सीन जब इस पिक्चर में आके देखते हैं, भोजपुरी फिल्म में देखते हैं, तो उनको लगता है यार क्या है ये, नया कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए शायद पब्लिक हॉल से दूर हो रहे हैं, थिएटर से दूर हो रहे हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये ससुरा जिंदाबाद की जो फिल्म, ये फिल्म जो है, इस फिल्म में कस्टमर को और ऑडियंस को काफ़ी खींचने का काम करेंगी, और हमारा जो फिल्म है, मैं सभी बोलते हैं हमारा फिल्म अच्छी है, हमारी फिल्म अच्छी है, मैं वो नहीं कहता हूँ, आप ट्रेलर देख के फिल्म का डिसाइड करते हो कि हाँ फिल्म कैसी होगी, उससे ट्रेलर से पता चलता है, तो आप ट्रेलर देखो, ट्रेलर देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि फिल्म का क्या मूड है। राइट, इसके अलावा सभी तरह के जो रीजनल सिनेमाज है, जैसे गुजराती सिनेमा की बात करें, साउथ सिनेमा की बात करें, मराठी फिल्मों की, पंजाबी फिल्मों की, भोजपुरी सिनेमा को एक अलग नज़र से देखा जाता है, उसका क्या रीज़न मानते हैं आप? देखिए, भोजपुरी फिल्म का अलग रीजन से जो देखने का नज़रिया है एज अ ऑडियंस, तो मैं कुछ साल के पहले मतलब कुछ साल पहले अच्छी फिल्में भोजपुरी में आती थी जो कि समझिए अलग अलग रीजनल में नहीं आती थी, और हम लोग का जो मातृभाषा है भोजपुरी, जो हम लोग का यूपी बिहार जो है, हम लोग काफ़ी शांत प्रभाव के लोग हैं और हम लोग काफ़ी इज्जतदार पर्सन हैं हम लोग, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि फिल्में भी उसी तरह से बाहर आए, उसी तरह, क्योंकि हम लोग से सीख के आज बॉलीवुड ने काफ़ी हम लोग की फिल्में रीमेक की है, जैसे नदिया के पार फिल्में आई थी उनकी, बहुत सारी फिल्में, हिंदी फिल्में रीमेक हुई है उस फिल्म की, हम साथ साथ हैं, काफ़ी सारी, तो बॉलीवुड ने सीख के एक बॉलीवुड को एक मुकाम दे दिया जो हम लोग से सीखे, और हम ही लोग जो हैं जिस रीजनल इंडस्ट्री से जो हम लोग जो बिलोंग करते हैं, तो हम लोग जो काम कर रहे हैं इस काम के प्रभाव से ऐसा हो गया है कि आजकल पूरी इंडस्ट्री जो एक भोजपुरी इंडस्ट्री, बाकी और अलग रीजनल लैंग्वेज के जो हैं वो काफ़ी अपने आप में आगे बढ़ रहे हैं, साउथ देख लो आप, मराठी देख लो आप, और भी जितने सारे रीजनल्स हैं, साउथ पंजाबी देख लो आप, ये सब डेवलप हो रहे हैं, मगर हमारे जो भोजपुरी इंडस्ट्री हैं वो डेवलप के कहीं रुके हुए हैं, मुश्किल हो रहा है उनको आगे बढ़ने के लिए, कारण ये है कि अश्लीलता गाना,
ये फिल्म नहीं चलती है उसका कारण है अश्लीलता गाना। और ये गाने क्या है ना कि आते ही रहते हैं, हर 2 महीने 1 महीने 3 महीने में एक ऐसा वीडियो आ जाता है मार्केट में जिसको लेके, और सारे न्यूज़ वाले भी मुझे ये समझ में नहीं आते कि लोग कहते हैं अश्लीलता के खिलाफ जाना है, अश्लीलता के खिलाफ जाना है, मगर मुझे ये नहीं लगता है कि अश्लीलता के खिलाफ जा रहे कि उसके साथ जा रहे। अभी हाल ही में एक गाना आया था, क्या मैं शायद सुना भी नहीं, वो गाना सुनता भी नहीं, मगर मोबाइल ऑन करता हूँ तो न्यूज़ आता है, तो ढूंढी चाट लेवा क्या गाना था एक, मुझे ये समझ में नहीं आया जब वो बच्चा ने गाना गा दिया है, किसी ने लिख दिया है, पहले तो लिखना नहीं चाहिए अश्लील गाना, लिख दिए तो गाना नहीं चाहिए, गाने नहीं चाहिए। ये दोनों गलतियां करने के बाद अगर किसी ने उसे कुछ किया, मान लो आप घर के बड़े हो या छोटे हो, आपके ऊपर भी तो कोई है, माँ बाप मम्मी पापा होते हैं, तो आप अगर कोई गलती करोगे तो मम्मी पापा क्या डांटेंगे नहीं आपको, डांटेंगे ना। तो ये इसने ऐसा गाना गाया उसके वजह से उसको कुछ लोग डिस्टर्ब किए, तो उसके और बोलना चाहिए कि ऐसा काम मत करो कि दोबारा तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, ना कि आप उसको और सपोर्ट करोगे, उसको आप सपोर्ट करोगे तो उसका तो मनोबल जो है वो बढ़ेगा, आगे वो और अश्लील गाने गाएंगे। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ, सभी ऑडियंस से जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस अश्लीलता से खिलाफ जब आप लोग लड़ाई चालू किए हो तो उसकी ईमानदारी से सपोर्ट करो, ईमानदारी से सपोर्ट करो, चाहे आप कोई भी हो, एनीथिंग एल्स, आप कोई भी हो उससे अपने को नहीं है, मगर आप इंडस्ट्री को बचाओ। अभी अच्छी अच्छी फिल्में बन भी रही हैं, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, अच्छे अच्छे एक्टर्स की अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, मगर ये आ रही हैं 10 फिल्म और गाने आ रहे हैं 50, तो ये गाने जो 50 है ना, ये फिल्मों पे थोड़ा हावी हो जा रहा है, और इसके कारण मान लो आपकी फिल्में अच्छी फिल्म है, अगले हफ्ते रिलीज़ होने वाली है, उससे पहले एक वायरल गाना, एक अश्लील गाना रिलीज़ हो गया, पब्लिक का मन बना कि चलो मैं ये फिल्म देखने जाऊँगा, मगर उससे पहले एक गाना ऐसा आ गया कि अब पब्लिक का मन ना, अरे यार क्या वही भोजपुरी वही गाना वही अश्लीलता, तो उसमें भी वही होगा। आदमी का जो सोच है ना, जो दिखता है सामने आगे भी वही समझता है। सर मैं ये जानना चाहूँगा, जिस अश्लील गाने की आप बात कर रहे हो, डांटना चाहिए ठीक है मैं मानता हूँ, जो अभी राइटर ने स्टैंड लिया है खुदकुशी का, सुसाइड का, क्या ये स्टैंड है, क्या वो जानबूझ के खुदकुशी कर रहे हैं? जानबूझ के खुदकुशी कर रहे हैं, ये देखिए क्या हो रहा है, क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह से वो पब्लिक को खींचना चाह रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, वो उसकी अपनी ट्रेजिडी है, पर गलत तो गलत है, जो गलत है अगर वो अश्लील गाने लिखे हैं तो वो गलत है, और किसी ने अगर गाया है तो वो भी गलत है। अगर वो खुद को सजा देना चाहता है, आपकी सवाल ये है कि खुद को सजा देना चाहता है, तो अगर गलती करके खुद को सजा देता है तो ये बहुत बड़ी बात है। चलो उसको समझ में तो आया कि मुझे मुझसे गलती हुई है तो मैं अपने आप को सजा दूँ। तो एक लाइन और मैं जानना चाहूँगा जी, कि केसारी लाल जो कि सुपरस्टार बोले जाते हैं भोजपुरी के जी, वो गए थे उनको मतलब, या उनका फ़ोन गया था जी, उनके पास जी, तो शायद आप बोलना चाहेंगे केसारी जी गलत कर रहे हैं फिर? देखिए इंसानियत के तौर पे गलत नहीं कर रहे हो, इंसानियत के तौर पे जब आप आइएगा, हर चीज़ का अलग अलग रीज़न, तो ये गलत या सही नहीं है, वो क्या है, वो इंसानियत के तौर पर वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये गलत करे कि सही करे ये खेसारी जी जाने। अच्छा सर ठीक है, मैं इस सवाल को हटाता हूँ, नए सवाल पर आता हूँ। आप डांसिंग स्टार बोले जाते हैं सर, रिसेंट में 2 गाने आए हैं पवन सिंह के और खेसारी के, दोनों गाने हैं लाल घाघरा, सर कौन से गाने आपको पसंद है, किस पे डांस करना चाहेंगे? जी मैं तो वाई नॉट, खेसारी जी अच्छे डांसर हैं और पवन जी का जो स्टाइल है वो अलग है, तो मुझे तो दोनों पसंद है। दोनों आपने सुने, दोनों ही पसंद आ रहे हैं? दोनों ही पसंद आया, दोनों का फ्रेमिंग मुझे दोनों ही पसंद आया, खेसारी जी का भी डांस पसंद आया और उनका स्टाइल पसंद आया पवन सिंह जी का। पवन सिंह ने अश्लीलता को लेकर अभी कहा है कि अश्लील फिल्मों को, अश्लील गानों को सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, फिर भी आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो पवन सिंह को करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं? सर वन मोर, पवन सिंह ने जब अभी लाल घघरा की लॉन्चिंग में ये कहा, किसी ने पूछा कि अश्लील फिल्मों और अश्लील गानों पर उनका क्या स्टैंड है, तो उन्होंने कहा कि जो भी गलतियां हैं उन्हें दूर करनी चाहिए और अश्लीलता को कोई भी आर्टिस्ट सपोर्ट नहीं करता है। आपको लगता है इसके अलावा कुछ ऐसा है जो पवन सिंह कर सकते थे उन्होंने नहीं किया? पवन सिंह कर सकते थे उन्होंने नहीं किया, हाँ कुछ ऐसा रह गया है आपको लगता है इसके बाद भी?
देखिए क्या हुआ है सर, हम लोग अगर पीछे को खींचेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। हाँ, हम लोग ये कर सकते हैं कि आगे जो समय आ रहा है, आगे जो वक्त आ रहा है, उसको हम लोग कितना अच्छे से और कितनी सावधानी से उसको आगे ठीक ठाक चीज़ों को कर सकते हैं। अब जो घर टूट चुका है उसको बना सकते हैं ना, उसको तो और तोड़ नहीं सकते। क्या भोजपुरी का घर टूट रहा है दिनेश बाबू, आपके कहने का क्या मतलब है? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ टूट रहा है। क्यों टूट इसलिए रहा है क्योंकि फिल्में थिएटर पे चल नहीं रही है सर, और जब फिल्में थिएटर पे चलेगी नहीं तो प्रोड्यूसरों को नुकसान होगा। एक्टर्स जो है वो नए नए एक्टर आ नहीं पाएंगे मार्केट में, नए नए जो कलाकार हैं अपने एक्टर हैं वो अपना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। सर आपके दृष्टिकोण से क्यों थिएटर बंद हो रहे हैं? थिएटर इसलिए बंद हो रहे हैं कि आप फिल्में तो दे रहे हो, कंटेंट नहीं दे रहे हो जो पब्लिक को चाहिए। आपको 50 रुपया दे के कोई देखने जाएगा? क्यों जाएगा देखने के लिए, ये मेरा सवाल है। कोई भी स्टार को अगर 50 रुपया या 100 रुपया टिकट दे के कोई भी पब्लिक, ये कोरोना के बाद हर पब्लिक चालू हो गई है, हर पब्लिक का एक अपना नज़रिया हो गया है, तो आपको 50 रुपया 100 रुपया दे के क्यों देखने जाएगी फिल्म? आप मेरे को बताओ, आप बहुत बड़े स्टार हो, क्यों देखने जाएगी बताओ आप? तो अब लास्ट ही सर आपके जो मैं पूछना चाहूंगा, लास्ट सवाल मेरा ये होगा, ट्रेलर बहुत अच्छा जा रहा है, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, सर क्या कुछ अबाउट ये फिल्म, कब देखने को मिलेगी ये फिल्म? 11 नवंबर को रिलीज हो रही है बिहार में, बिहार और झारखंड। आप लोग सभी ऑडियंस से मैं निवेदन करता हूँ, मेरी बातों को अगर किसी को बुरा लगा हो तो स्ट्रिंगली सॉरी, और मैं जो हकीकत है मैं वो बताया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म आप ज़रूर देखो। और पब्लिक, आप लोग बोलते हो ना कि मुझे अश्लीलता पसंद नहीं है, तो आज मैं पब्लिक से बोल रहा हूँ कि अगर सच में आप लोग अश्लीलता को हटाना चाहते हो सच में, तो इस ट्रेलर को आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस ट्रेलर को ऐसे वैसे, ये नहीं, इस ट्रेलर को आप लोग इतना देखो कि मुझे फील होना चाहिए कि ये ट्रेलर को देखने के बाद आप लोग फिल्म देखने के लिए आने वाले हो। मैं ये नहीं बोलता कि ट्रेंडिंग पे आ जाए हमारा ट्रेलर, ऐसा हो जाए वैसा कुछ नहीं। आप ट्रेलर कम से कम इतना देख लो कि मुझे फील हो जाए कि हाँ, हमने थिएटर में फिल्म जब रिलीज़ करनी है तो फिल्म अच्छी चलेगी। और आपको मैं गारंटी से बोलता हूँ, आप फिल्म देखने आओ, आपको कंटेंट मिलेंगे, कहानियाँ नहीं, कंटेंट मिलेंगे, अच्छी कहानियाँ मिलेगी और अच्छी फिल्म मिलेंगी, आपको पूरा एंटरटेन मिलेगा। ससुरा जिंदाबाद फुल एंटरटेनमेंट मूवी है, अच्छे गाने हैं, अच्छे अच्छे गाने हैं, हमने भी गाने, 7 गाने हमारी फिल्म में, आप एक भी गाना का डबल मीनिंग नहीं निकाल सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसी ऐसी फिल्में, और हमारी अभी और मैं 1-2 फिल्मों को शूट पे जाने वाला हूँ, रिसेंट जाने वाला हूँ, तो ये भी फिल्में हमारी कंटेंट वाली है, अच्छी कंटेंट फिल्म है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग सब मिलकर मेरा सपोर्ट करो। अगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है तो मुझे सपोर्ट करो, मैं कोशिश करूँगा आप लोग की अच्छी अच्छी फिल्म देने को और अच्छे अच्छे गाने सुनाने को। थैंक यू सर।